अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, की हाल चाल है? उम्मीद कर दी है मेरे सब भैन भरा ठीक होंगे। वेलकम कर दी है अपने चैनल इकरा विद विलीज लाइफ के। मैंने उम्मीद है मेरे सब भैन भरा रमज़ान मुबारक के रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह ताला तुम सेहत तंदुरुस्ती दे, शादो आबाद रखे, ठीक है। तो अज माशाल्लाह मैं बनाने लगी सी स्पेशली कुछ बंद गोभी के पकौड़े, ठीक है। यह स्पेशल मेरी रेसिपी है जी, मैं तुहाडे नाल शेयर कर रही हूँ। जिन्नी बंद गोभी होएगी उन्नी ही बगैर कड़वी ना होवे। तुसीं इत्थे शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी यह जिहड़ी मिर्चां वा इह कड़वियां नहीं सीगियां ते मैं हरियां इस्तेमाल कर लईआं। एक अदद वड्डा आलू मैं लिया, ना भी होवे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बच्चे शौक ना खांदे ने इस वजह तो मैं विच आलू पा लिया, ठीक है। एक कटोरी लई मैं बेसन, ठीक है। तो नाल लईआं मैं सुरख मिर्चा, सुक्का धनिया ते जीरा पीसिया होया ते सुक्का धनिया देख लवो एवें दादण कीता होया, ठीक है। ए नाल लिया मैं नमक, हुण इहनां नूं मैं मिक्स करांगी इस तरीके दे नाल। हाँ जी, देखो माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं पावांगी बंद गोभी। बंद गोभी के नाल ही मैं पावांगी आलू। ये थोड़े जिने तुसी स्पाइसी रखना, क्योंकि बंद गोभी के नाल इहदा फ्लेवर जिहड़ा वा ज़्यादा नहीं वो आ पाउंदा। अगर तुसी इहनूं स्पाइसी रखोगे तो फिर इहदा अच्छा फ्लेवर आएगा। हरियां मिर्चां, ठीक है। इहदी जगह ते तुसी शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो। सुरख मिर्च ले लिया, तुसी कहने होंगे पहले हरिया मिर्चा इनियाँ, फिर इन्होंने सुरख मिर्च ले ली है। इस हरी मिर्च बिल्कुल कड़वी नहीं है ना, भी खा के दिखाओ। बिल्कुल भी यह कड़वी नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये सुरख मिर्च में भी पा ली है। रमजान के कोई अंदाजा नहीं होंगे है कि किन्नी। देखो जी, मैं नमक वगैरह सारा कुछ डाल लिया वा। मिर्चा तो मैनू ज्यादा लग रही है, सिर्फ मैं थोड़ी जी रख लेती हूँ। देखो मैं अच्छे तरीके दे नाल इदा मिक्स करांगी। ठीक है, ए हुण बेसन जड़ा वा ए डालांगे। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। तुसी अपने घर ही, अजकल प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया वा, तो अगर तुसी ज़्यादा मेहमान आए आ प्याज विच पाना चाहते हो तो तुसी अगर वो नहीं अवेलेबल है कि तुसी उन्हों पा सको, नहीं तुसी उन्हों कर सकते, पूरा नहीं कर सकते है, तो फिर तुसी इनू लिया के बंद गोभी 40 रुपए किलो इनू लिया के, तो तुसी इस दे लई 1 किलो गोभी लैके आओगे तो तुहाडे आसानी दे नाल परात बार परात पूरी पकौड़िया की निकल जाएगी, ठीक है। ए देखो तुसी, हालांकि मैं ये अद्धी गोभी कट्टी है तो अद्धी रख ली है, फिर भी देखो कितना ज़्यादा यह मसाला बन गया। बहुत मज़े का यह मसाला बनता वा। इनू अच्छे तरीके दे नाल मिक्स तुसी कर लेना। चम्मच ना बनाऊंगे, सिलेंडियां जी टाइप बाल ने ना ये महसूस नहीं होंगे। हाँ जी जी, ये देखो मेरे पकौड़े बन गए ने, तो ये पकौड़े बिल्कुल इस तरीके ने क्रिस्पी होंगे, बड़े यम्मी होंगे, बड़े मज़े के होंगे। अगर तुम्हें मेरी आज की वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलियो।
बाय एक अंदर बटन दबाना ना भूलियो ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहे। कमेंट से जरूर दसना आज तुम मेरे गोभी पकौड़ा कैसा लगा, ठीक है। तो नाल मैं तुम्हें रमजान के मजे मजे दिया रेसिपियाँ इदा ही दसती रहूँगी। ठीक है, अल्लाह।